हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मेरा यूट्यूब चैनल संतोष सिन्हा ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने खेत की तरफ आया हूं, बिहन बुनाया है उसको देखने के लिए। मैं उस बिहन को आपको दिखाता हूं, अभी जलमा है कि नहीं जलमा है, जिसे बोलते हैं देहाती भाषा में मोरी। ये मोरी है, अभी कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ये धान रुपाता है इसी का, इसी से धान होता है। इससे बड़ा है, क्या हुआ था कि पानी जास्ती रहने के कारण यहाँ पे मेरा कुछ दिन पहले बाद में रोपाया और कुछ दिन पहले रोपाया हुआ है, इसलिए बड़ा। आप देख सकते हैं ये मूली का खेत। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, यहाँ पे ये गांव है, ये मेरा घर सामने, इसी का बगल में ये मेरा खेती है, इसमें मूली बुनाया हुआ है। ये करीब 10-15-20 दिन में अभी यहाँ पे मोरी जन्म जाएगा और बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें खाद मारना पड़ता है, अभी खाद नहीं मारे हैं क्योंकि अभी रौदा धूप इतना कर रहा है कि यहाँ पे जो मोरी निकला है वो जल जाएगा, इसी के कारण नहीं पटाया, अभी नहीं दिए हैं। आज मैं अपने खेत में पानी डाले हैं मोरी के, देखिए इसमें पानी पटाए हुए हैं। यहाँ पर भी मोरी बुनाया हुआ है, ये बड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा गांव, कुछ ही दूर पे मेरा ये घर है आसपास में ही, आपको मैं कैमरा रोड करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए बादल, यहाँ पे बारिश होने का मौसम है भी नहीं। अब तक हम लोग का धान खेती में रोपा जाता था, अब थोड़ा सूरज भगवान को देखिए। देखिए मेरा घर है सामने, आप देख सकते हैं पेंट वाला है, वही मेरा घर है। पेंट के बगल में भी वो भी मेरा घर। पानी बोने का मौसम बहुत कम है, बारिश भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं ऊपर में ये मौसम। इन साल शायद लगता है कि अकाल घोषित करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं अपने खेत के पास में ही हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।